सिद्धार्थ, मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ओ, आई डिडंट नो दैट। ओके ओके फाइन। सो आई आई शुड स्टार्ट राइट? हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रितु रतवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले पाई हूँ। मैं थोड़ी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थी, ये देखो। तुम लोगों की क्लासेस मिस हो गई, मैं चंडीगढ़ गई हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया और रेप्टीलिया, और आज की आज लर्न कर देंगे। छोटी सी क्लास लगाएंगे, 1 घंटे से कम की क्लास लगाएंगे, और दोनों क्लासेस को लर्न करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ। आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ही ये लिंक डालेंगे आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। फ़ायदा क्या है? सारे के सारे, एक तो शेड्यूल पूरा वहाँ पे मिल जाता है कि पूरे दिन में क्या होने वाला है। साथ में छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाते हैं टीचर्स अपना बताने के लिए कि वो क्या पढ़ाएंगे, देन आगे क्या स्ट्रैटेजी है। प्लस वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह डलती रहती है, तो जिससे कि तुम्हें फ़ायदा होगा। सो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। प्लस अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म बहुत ही काम की चीज़ है तुम्हारे लिए। अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म में इंडिया के 40 टीचर्स इस वक्त पढ़ा रहे हैं नीट की तैयारी के लिए। यदि तुम नीट एस्पिरेंट हो तो ये एक बहुत काम की चीज़ है तुम्हारे लिए। 40 टीचर पढ़ा रहे हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का वहाँ पे। अब नीट आने वाला है 5 महीने के अंदर, और ही कम समय रह गया है हमारे पास, है ना। उन टीचर्स में से मैं भी एक हूँ। मतलब यहाँ पे मैं अपना पूरा सिलेबस पढ़ाती हूँ, जूलॉजी बॉटनी +1 और +2 का। मेरा क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता, आज क्रैश कोर्स की पहली क्लास थी। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम आधा पढ़ लिया है और कल पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर देंगे। सो जो बच्चे ऑलरेडी लगा रहे हैं तुम उनसे पूछ सकते हो। ये क्रैश कोर्स वाली चीज़ फास्ट होगी और एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा मेरा। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि क्रैश कोर्स लगाने के बाद एनसीईआरटी में तुमने एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ रखी हो, क्योंकि मैं क्लास में तुम्हें पढ़ने के लिए टाइम दूंगी, ठीक है। मैं तुम्हें समझाऊंगी और टाइम दूंगी, समझाऊंगी और टाइम दूंगी। साथ में मेरा रेगुलर कोर्स चल रहा है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का। आज प्लांट फिजियोलॉजी की पहली क्लास थी। प्लांट किंगडम अभी खत्म हुआ है, उसकी तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी यदि तुम प्लस ज्वाइन करते हो। तो प्लांट फिजियोलॉजी की आज पहली क्लास थी, प्लांट वाटर रिलेशंस की। 3-4 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म कर दूंगी, फिर फोटोसिंथेसिस शुरू करूंगी। सो अगर तुम पूरा सिलेबस पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, मुझसे क्रैश कोर्स लगाने में इंटरेस्टेड हो, बाकी टीचर्स की क्लासेस लगाने में इंटरेस्टेड हो, बाकी टीचर्स के क्रैश कोर्स लगाने में इंटरेस्टेड हो, तो तुम्हें सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। अलग अलग कुछ नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन से टेस्ट भी मिलेंगे तुम्हें, तुम्हें सबकी क्लासेस भी मिलेंगी, तुमको सबको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, तुम्हें क्विजेस भी मिलेंगे, एवरीथिंग इज देयर। तो एक बहुत बढ़िया तैयारी हो जाती है तुम्हारी। अब तुमको सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? देखो, तुमको पहले तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। बिना ऐप के कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। करा, ओपन किया, फ्रंट पेज ओपन हुआ, ये देखो इधर नीचे प्लस का ऑप्शन आया, वहाँ पे क्लिक मार दिया। फिर कौन सी कैटेगरी है तुम लोगों की, नीट एंड एम्स है, वहाँ पे क्लिक किया, फिर गए गेट सब्सक्रिप्शन पे। इस तरीके से ओपन होएगा। फिर तुमको पूछेगा 1 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए, कितनी देर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो अब जो 2020 में पेपर देंगे उनके लिए बेस्ट है 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन। जो बच्चा अभी +1 में, अभी +2 में जाएगा, मतलब उसके पास पूरा 1 साल है, अभी 1 साल से ज़्यादा है, वो लेगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। जो बच्चा अभी +1 में जाएगा, उसके पास 2 साल है, ये लेगा 2 साल का सब्सक्रिप्शन। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,000 का, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 30,000 का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 48,000 का है। अभी इसमें मतलब कि जो अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको 24,000 में सब कुछ, सब कुछ, एवरी क्लास, एवरी एवरी रिवीजन सेशन, सब कुछ प्रोवाइडेड है वहाँ पे। पर इसको और कम करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। इसको 21,600 कर सकते हैं हम। कैसे? मान लो तुमने क्लिक किया, किसी पे भी क्लिक कर लो, प्रोसीजर सब में सब सेम है। 10% फीस कम करने का प्रोसीजर बता रही हूँ तुम्हें। मान लो 1 ईयर की फीस दिख रही है यहाँ पे, 1 ईयर वाले पे क्लिक किया, मान लो तुमने 30,000 किया। अब यहाँ पे ना खाली स्पेस होगा, यहाँ पे कोड भर देना है तुमने। क्या कोड भरोगे तुम? रितु लाइव। रितु मेरा नाम है और लाइव क्लासेस है वहाँ पे। रितु लाइव कोड जैसे ही तुम भरोगे, अप्लाई बटन दबा देना, तुम देखोगे 10% ऑफ दिखाएगा तुम्हें फीस। यहाँ पे 30,000 दिखाया था, यहाँ पे 27,000, मतलब 1 साल के लिए। 6 महीने के लिए वहाँ पे
24,000 पहले दिखाएगा, जैसे तुम कोड डालोगे 21,600 दिखा देगा। तो मतलब हर चीज़ में 10-10% ऑफ, 2 साल वाले की फीस अब 43,000 दिखाने लगेगा, 43,200 इस तरीके से। सो तुम्हें पता चल गया है सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ले लो जल्दी से जल्दी यदि लेना चाहते हो तो, क्योंकि क्रैश कोर्स हम शुरू कर चुके हैं। अगर आप नहीं ले पा रहे फिर यूट्यूब की क्लासेस तो हैं ही हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलो आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। कहाँ पहुँच गए हम, अपा वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, ये सब अपा ने पढ़ लिया। गनेथोस्टोमेटा में पिछली क्लास मैंने लगाई थी, अच्छा पाइसिस ख़त्म किया था ना लास्ट, हमने पाइसिस ख़त्म किया था। गनेथोस्टोमेटा में अब आज लगाएंगे हम एम्फीबिया और रेप्टीलिया। एम्फीबिया पे आ जाओ। अब देखो तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी, मैंने तुम्हें रेप्टाइल उसमें भी बताया था, एवोल्यूशन में भी बताया था कि सबसे पहले वर्टिब्रेट्स जो आए वो ये थे, साइक्लोस्टोमेटा, फिश लाइक क्रिएचर्स जिनके पास जॉ नहीं होते थे। फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनसे फिश डेवलप हुई, फिश इन्हीं से डेवलप हुई है, ठीक है। जॉ आ गए फिश के पास, पूरे दांत जबड़े आ गए, ठीक है, जैसे शार्क के पास होते हैं डेंजरस जबड़े। फिर फिश में से देर वर सम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, ठीक है, उनको बोलते थे सीलोकैंथ फिश। मैंने तुम्हें उसमें भी स्टोरी सुनाई थी एवोल्यूशन में भी, सीलोकैंथ ना बड़ी अजीब सी फिश होती थी। उनके ना जैसे नॉर्मल फिश के क्या होता है, सीधा यहाँ पे फिन लग जाता है ना, यहाँ पे सीधा ही फिन लग जाता है ना ऐसे करके, उनके ऐसे फिन ऐसे नहीं अटैच होते थे। उनकी क्या था, पहले ऐसे जैसे फिश है यहाँ पे एक बाजू जैसा स्ट्रक्चर होता था, उसके फिन आगे उसके ऊपर अटैच होते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे हाथ अटैच होते हैं बाजू के ऊपर, वैसे उनके फिन अटैच होते थे बाजू लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उनको लोब फिन्स बोलते थे, क्योंकि एक लोब्ड स्ट्रक्चर होता था उसके ऊपर फिन होता था, लोब फिन्स, ठीक है। मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ लोब फिन कैसी होती है। मैं तुम्हें एक्चुअली ये बताना चाह रही हूँ कि एम्फीबियन कैसे बने, ऐसी होती थी लोब फिन, देखो। सो लोब फिन्स वर समथिंग लाइक दिस, ओके, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे जैसे एक लोब है, लोब के ऊपर ऐसे फिन है इस तरीके से, कैन यू इमेजिन। तो ना ये बहुत अजीब तरीके से तैरती थी, ये ऐसे से नहीं तैरती जैसे नॉर्मल फिश तैरती, ये ऐसे तैरती जैसे घोड़ा भागता है, ठीक है, समथिंग लाइक एन आर्म इसका ये जो लोब है ऐसे काम करता था। अब लोब फिन्स की क्या खासियत थी, ये ना पानी से बाहर आ सकती थी ऐसे करके, ऐसे छप छप छप, इनकी ऐसे ना बाजू की तरह काम करती थी, ऐसे छप छप करके बाहर आती थी, दुनिया को देखती थी, हाँ ये दुनिया, हाउ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड इज, फिर छप 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 करती हुई अंदर चली जाती थी। दीज फिश गेव राइज टू फर्स्ट एम्फीबियंस, पहले एम्फीबियंस को जन्म दिया लोब फिन्स ने। लोब फिन्स को ही सीलोकैंथ्स कहते हैं, सीलोकैंथ फिश। इसी का एग्जाम्पल हम लैटिमेरिया पढ़ते हैं, ठीक है। अब एम्फीबियंस और फिश में मेन डिफरेंस क्या आया, एम्फीबियंस पानी के बाहर सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है, पानी के बाहर सांस भी ले सकते थे, पानी के बाहर अपनी जिंदगी भी बसर कर सकते हैं। हालांकि कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं, टोटली एक्वाटिक एम्फीबियंस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे एम्फीबियंस लैंड पे आ गए। लेकिन एम्फीबियंस की एक मजबूरी थी, एम्फीबियंस के पास पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता था पहली बात तो, ठीक है। अगर पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो बताओ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे करोगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज करना, और एग और मेल जो स्पर्म है उसका मीटिंग फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसके लिए तो पीनस लाइक स्ट्रक्चर चाहिए ना, एक तो वो नहीं था उनके पास। दूसरी बात, उनके जो एग्स बनते थे ना वो अगर लैंड पे बनेंगे ना एग्स तो वो ड्राई हो जाएंगे। सो उनको वाटर फॉर फर्टिलाइज, ओके आई डोंट थिंक कि तुम्हें समझ में आई ये बात, मैं दोबारा बताती हूँ। एम्फीबियंस को वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, मतलब कि वो लैंड पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, मतलब कि एक मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग शोर पे आके बाहर समुद्र के किनारे में जाके या नदी के किनारे पे जाके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसकी मजबूरियां क्या हैं अब मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगी, शायद तुम लोग समझ नहीं पाए। चलो पहले एम्फीबियंस पढ़ाना शुरू करती हूँ तुम्हें, पढ़ाऊँ। एक फ्रॉग बना लेते हैं, ये एक मेंढक है, ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी ब्यूटिफुल मेंढक फॉर यू सो दैट I am able to explain what I want to. Now, सही है, बढ़िया मेंढक बना है।
एम्फीबियंस का रिप्रेजेंटेटिव क्रिएचर है ये, हम इसको जानते हैं। देखो इसके बॉडी फीचर्स देखो कुछ कुछ। पहली बात तो इसके पास गर्दन नहीं नजर आ रही है, इसके पास या तो सिर है या तो ट्रंक है, देर इज नो गर्दन, देर इज नो टेल। कुछ में टेल प्रेजेंट होती है लेकिन अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही, वैसे जनरली टेल नहीं है। सो आई कैन से बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक हेड एंड ट्रंक बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड एंड ट्रंक, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, देर इज नो टेल, मोस्टली नो टेल, ऑल्दो सम कुछ के पास टेल होती है, अभी बता दूंगी किसके पास है। नो नेक, कोई नेक नहीं है, कोई गर्दन नहीं है, कोई टेल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके और फीचर्स पढ़ते हैं। इसकी स्किन बहुत स्मूद है, कभी तुमने किसी फ्रॉग को अगर टच किया हो तो बिल्कुल मॉइस्ट चिकनी चिकनी स्किन होती है। क्यों? क्योंकि ये सांस लेता है अपनी स्किन से। फ्रॉग्स के पास बहुत सारे तरीके हैं सांस लेने के, उनके पास लंग्स भी हैं सांस लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि लंग्स नहीं है, बट वो अपनी स्किन से भी सांस लेते हैं। सो क्या मैं यहाँ पे ये मार्क कर दूँ, मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन। मार्क कर दूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा बोलो, मॉइस्ट स्किन है मतलब यहाँ से गैशेस एक्सचेंज होना है, तो क्या इसकी बॉडी पे स्केल होने चाहिए? स्केल हमेशा ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान को रोकेंगे, हार्ड हार्ड है यार वो कैसे गैशेस ट्रांसपोर्ट नहीं होने देंगे। सो स्केललेस करनी पड़ेगी हमें इसकी स्किन, सॉफ्ट एंड विदाउट स्केल्स। लिख दूँ, मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन विदाउट स्केल। ओके, विदाउट स्केल, बिल्कुल भी स्केल नहीं होने चाहिए, स्केललेस स्किन होती है इसके पास, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा कट रहा है ना, रुको मैं शिफ्ट करती हूँ तुम्हारी स्क्रीन, नाउ बेटर बेटर, ओके। अब आगे देखो, इसकी आईज पे आईलिड्स होती हैं, ठीक है, तो हम एक सुंदर सी आईलिड बना लेते हैं ताकि तुम्हें याद रहे, सुंदर सी आई बना लेते हैं और उसकी आईलेट बना लेते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल आई, ऑफ कोर्स इतनी सुंदर नहीं होती इसकी आंख, लेकिन हम तो बनाएंगे ना ऐसे, ठीक है। ये NCERT में प्रेजेंट है बात कि इसके पास आईलेट्स होती हैं, इसलिए मैंने इतनी सुंदर बनाई है। सो ये पोर्शन आईलेट हो गया ना, ये पोर्शन आईलेट हो गया इसका, आईलिड प्रेजेंट है इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या इसके पास पिन्ना प्रेजेंट है, यार कितना अजीब लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, एक बात पूछती हूँ तुमसे, क्या फिश के पास पिन्ना होता है? पिन्ना क्या होता है? पिन्ना होता है ये जो एक्सटर्नल, ये जो पार्ट है ना ईयर का, इसको पिन्ना बोलते हैं। क्या तुमने कोई ऐसे फिश देखी है कभी, ऐसे कान वाली फिश? इट वुड बी वेरी बैड लुकिंग एंड वेरी फनी। देन हैव यू सीन अ फ्रॉग लाइक दिस, यू नो लाइक दिस, हाउ इट ही वुड लुक, इट्स लुकिंग लाइक अ रैट। फ्रॉक तो लग ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई फ्रॉक बिना ये पिन्ना के साथ नहीं होता। देन कैन यू इमेजिन अ स्नेक लाइक दिस? मैं सबके एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या तुम किसी स्नेक को इमेजिन कर सकते हो ईयर के साथ? नहीं। क्या तुम किसी बर्ड को इमेजिन कर सकते हो ईयर के साथ? हाउ वुड इट लुक लाइक दिस? क्या कहना चाहती हूँ मैं, ना तो फिश के पास, ना एम्फीबियंस के पास, ना रेप्टाइल्स के पास, ना बर्ड्स के पास पिन्ना किसी के पास नहीं होता, सिर्फ मैमल्स के पास होता है, ह्यूमंस के पास होता है, गाय भैंस के पास होता है, चूहे के पास होता है, बिल्ली के पास होता है, कुत्ते के पास होता है, क्योंकि वो सब मैमल्स हैं। पिन्ना इससे पहले कहीं नहीं आएगा। तो ईयर कैसे रिप्रेजेंट होएगा? देखो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विच रिप्रेजेंट्स ईयर, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं है ना, पिन्ना पुन्ना कुछ नहीं है। तो मैं लिख दूँ, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम
ईयर ड्रम ही ईयर है, बाहर से कोई ईयर अलग से नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं, पढ़ने ही लगे हैं तो हम आओ थोड़ा सा, मुझे आई नीड सम स्पेस टू। देखो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ, यहां मान लो इसका माउथ है, ओके, दिस इज द बक्कल कैविटी, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां पे ओपन हो रहा है, ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये इसका एनस होना चाहिए बेसिकली, बट इसके पास एनस नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहां पे ये ओपनिंग बड़े सारे और चीजों की भी ओपनिंग है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी और ओपनिंग है, मतलब जो इसका यूरिन है वो भी यहीं पे इकट्ठा होगा, ये इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग है। तो मतलब अगर मैं यहां पे इसका कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लूं, ऐसे बना लूं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहां पे मैं इसका कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लूं, तो सबकी ओपनिंग एक ही है, दिस इज द कॉमन ओपनिंग। मैं लिख लेती हूं ये चीज, इस कॉमन ओपनिंग को क्या कहते हैं तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी। दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तीनों सिस्टम की एक ही ओपनिंग है, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट। अच्छा, मैंने तुम लोगों से बात नहीं की ना अभी तक, हेलो हाय नहीं किया तुम लोगों को। और भाई बच्चों क्या हाल चाल है, ओहो क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, प्लीज कंप्लीट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैंने शुरू ही कब किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हाँ क्लोए का, चलो बढ़िया हाल है तुम्हारे, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड क्लोए का बच्चों, दिस चेंबर इज कॉल्ड क्लोएकल चेंबर और ये जो ओपनिंग है इसको कहते हैं क्लोए का। क्लोएकल चेंबर, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि मेजॉरिटी पार्ट तुम एम्फीबियंस वाला कर चुके हो, जो मुझे एनसीईआरटी से कराना है तुम लोगों को। क्लोए का ये हो गया, रेस्पिरेशन के लिए मैंने क्या बताया, लंग्स भी होते हैं स्किन भी होती है, हो गया। सर्कुलेशन के लिए इसके पास थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है, ये अपन बार बार बात कर चुके हैं, मैंने एक बार टेबल कराया था ना, फिश के पास दो चेंबर्ड, एम्फीबियंस के पास तीन चेंबर्ड, रेप्टाइल्स के पास तीन चेंबर्ड, बर्ड्स और मैमल्स के पास फोर चेंबर्ड, ठीक है। सो थ्री चेंबर्ड हार्ट है, इससे कुछ नहीं करना तुम्हें सर्कुलेशन में, एक्सक्रीशन में कुछ नहीं करना तुम्हें। अब मैं इसकी रिप्रोडक्शन की बात बताती हूँ, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात बताऊंगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, बस फिर ये खत्म, एम्फीबिया खत्म। चलो ये नोट डाउन करेंगे प्लीज, करो 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 बच्चों नोट डाउन करो। जया पाठक, नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हो गई है बेटा, मेरी शादी नहीं हो गई है, पर मेरी इंगेजमेंट हो गई है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ रिप्रोडक्शन फ्रॉग्स का, देखो देखो ये है एक फीमेल फ्रॉग, अरे ये क्या बन गया, ये है हमारी फ्रॉगनी, ये इसके पास है हमारा मेल फ्रॉग, ये है हमारा ऑरेंज में मेल फ्रॉग, और मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का चल रहा है ब्रीडिंग सीजन, बारिशों में ब्रीडिंग सीजन होता है इनका, ठीक है। तो ये है मेल फ्रॉग, जो भी है बहुत ही बदसूरत बन गया ये, बट ये मेल फ्रॉग है और ये बहुत छोटा भी बन गया, बट चलो इट्स ओके, अभी इसको थोड़ा सुंदर बना देंगे। अब मेल फ्रॉग जाता है फीमेल फ्रॉग के पास रिप्रोडक्शन करने, ये पानी के बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये इनकी मजबूरी है बहुत तगड़ी, बाहर घूम आओ पानी से कोई बात नहीं, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाओगे बेटा तुम, क्यों? मेल फ्रॉग के पास पीनस लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये कैसे अपने स्पर्म फीमेल क्लोइका में इंजेक्ट करेगा, ये फीमेल क्लोइका है ना, मान लो यहाँ पे क्लोइका है मान लो,
अब इसमें इंजेक्ट भी तो करने पड़ेंगे ना स्पर्म, तभी तो फीमेल बॉडी में स्पर्म जाएंगे, तो पानी के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन करेगा? पानी में तो ये है कि ये अपने स्पर्म रिलीज कर देगा पानी में, और ये अपने ओवम रिलीज कर देगी पानी में, तो पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब रेत पे करके दिखाओ, मेल फ्रॉग अपना स्पर्म रिलीज कर दे रेत पे, और फीमेल फ्रॉग अपने ओवम रिलीज कर दे, रेत पे कैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी भाई? इसलिए दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो ये क्या करता है मेल फ्रॉग, क्या करता है, लाओ इसे दोबारा बना लें, बहुत ही बदसूरत बन गया था ये। ये फीमेल फ्रॉग को ऐसे होल्ड करेगा, ओके, ये अभी भी कुछ और सा ही बन गया, अजीब सा ऐसे, ही विल होल्ड हर लाइक दिस। इसके हाथों में ना यहाँ पे, जैसे इसके चार उंगलियाँ होती हैं अगले हाथ में, तो पहली उंगली के नीचे ना यहाँ पे पैड होता है, एक न्यूपचुअल पैड, वो फीमेल को होल्ड करने के काम आता है, ऐसे उससे होल्ड हो जाती है फीमेल, ठीक है। अच्छा, सो समथिंग लाइक दिस, एंड ही होल्ड्स हर, एंड देन यू नो शी रिलीजेज हर ओवम, बहुत सारे एक बार में 2000 से 3000 अंडे पानी में बहा देती है ये। सो दिस इज हैपनिंग ऑल इनसाइड वाटर, ये सब पानी के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये अपने 2000 से 3000 एग्स रिलीज कर देती है, 2000 to 3000 ओवा रिलीज करती है। अब मेल कहता है कि मुझे तो आई डोंट नीड अ पीनिस, तो सिंपली अपने स्पर्म रिलीज कर देगा यहाँ पे। मेल विल रिलीज हिज स्पर्म्स एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन वाटर लाइक दिस। इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी 2000-3000 मेंढक नहीं बन जाएंगे, इनको बहुत सारे खा जाएंगे, फिश वगैरह खा जाएंगे इनके अंडे, तो कुछ बेबीज यहाँ पे रहेंगे, निकल के आएंगे। इनके बेबीज को क्या कहते हैं? टैडपोल, और वो लार्वल स्टेज होती है ना, इनका लार्वल स्टेज होता है ना टैडपोल। तो टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट फ्रॉग बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम्हारी एनसीईआरटी हम कवर कर चुके हैं एम्फीबिया, सिर्फ दो डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर पूरा एनसीईआरटी कवर है। तुमको विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें पढ़ा के दिखाती हूँ। बच्चों, तुमने मुझ पे शक किया, लाओ लेट्स स्टडी। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबिया, मतलब एम्फी मतलब डुअल, एम्फीबिया होता है दो को बोलते हैं एम्फी, बायोस मतलब लाइफ, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। देखो, फ्रॉग जो होता है वो बाहर तो रहता ही है, तुमने कितनी बार मेंढक को उछलते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि उसके पास लंग्स होते हैं तो वो हवा से सांस ले पाता है। मतलब तुम पता है कैसा हुआ है, फिश से जैसे ही ये बने ना, एम्फीबियंस बने ना, तो एम्फीबियंस हड़बड़ा गए कि यार हम पानी से बाहर आ गए, अब हम क्या करें, कहीं मर तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने इतने मोड ऑफ रेस्पिरेशन रख लिए ना, हद से ज़्यादा, गिल्स भी रख लिए, लंग्स भी रख लिए, स्किन भी रख लिए, बेटा सांस लेनी है कैसे भी ले लो बस। हालांकि एडल्ट फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, फ्रॉग के बच्चे के पास, टैडपोल के पास गिल होते हैं, फ्रॉग के पास गिल्स नहीं होते, ठीक है। लेकिन जब फ्रॉग रिप्रोडक्शन करने जाएगा पानी में तो क्या करेगा, वहाँ पे लंग्स तो काम नहीं करेंगे, तो वो स्किन से सांस लेता है। तो और फ्रॉग पता है हाइबरनेशन भी करता है, सो जाता है जाके, और एस्टिवेशन भी करता है। एस्टिवेशन क्या होता है? गर्मियों में सोना। हाइबरनेशन होता है सर्दियों में सोना। तो कई कई दिनों तक कॉन्टिन्यूसली सो रहा है। कहाँ सो रहा है पता है? पौंड में जाके सोता है, नीचे नीचे पौंड के तली में जाके ऐसे अपना गड्ढा बना के वहाँ सो जाता है। कैसे सांस लेगा? स्किन से, ठीक है। एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट सब में रह पाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो पेयर ऑफ लिम्स हैं, आगे वाले और पीछे वाले। बॉडी इज डिविजिबल इन टू हेड एंड ट्रंक, देर इज नो नेक, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। अब टेल वालों की तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी, अभी रुक जाओ। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, गीली स्किन होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, कोई स्केल्स नहीं होते। द आईज हैव आईलिड्स, तभी तो मैंने इतनी सुंदर पलकें ऐसे आईलिड्स बनाई थी उसकी, ब्यूटीफुल। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक्सटर्नल ईयर तो है नहीं, पिन्ना तो है नहीं इसके पास। अब ये देखो, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इन टू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका, एक ही चेंबर होता है क्लोएका जिसमें तीनों खुल जाते हैं, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। क्या बोलते हो एनसीईआरटी? आई होप तुम लोग लेके बैठे हो अपने घर में, है ना, जब भी मेरी क्लास लगानी है एनसीईआरटी लेके आनी है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन।
द हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड, ये अपन बात कर चुके हैं, ऐसे होता है देखो, थ्री चेम्बर्ड हार्ट ऐसे होता है, दो ऊपर से ऑरिकल होते हैं, एक ऑरिकल ये, एक ऑरिकल ये, ठीक है, एक वेंट्रिकल होता है, जैसे अपने दो वेंट्रिकल होते हैं ना, इनका एक वेंट्रिकल होता है इस तरीके से, ठीक है, दो ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल, दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, सब कोल्ड ब्लडेड है, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल फ्रॉग अभी हमने देखा था सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, दे आर ओविपेरस, एग्स ले करती है फीमेल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, अभी दिखाया था टैडपोल लार्वा बनता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे अपने को, इतनी बात समझ में आ गई है, बोलो। हाँ भाई लोग, चंदन नो आइडिया, यस ब्लड सर्कुलेशन इनकम्प्लीट होती है, बिल्कुल सही कह रही हो, पेरीविंकल तुम, ओके अच्छा, कोई क्वेश्चन तो मुझे मिल नहीं रहा तुम्हारी तरफ से, तो अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ, चलो चलो चलो, कहाँ गया भैया, हाँ अच्छा, मुझे तुम्हें, तुमको इसके एग्जाम्पल लर्न कराने हैं कि नहीं, मुझे तुमको इसके एग्जाम्पल लर्न कराने हैं, तो अब देखो एग्जाम्पल लर्न करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने एग्जाम्पल है अपने पास, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हैं, 5 के 5 अभी लर्न करा दूंगी, मेरे साथ बने रहो, आओ आओ। अपा इसको कैसे याद कर सकते पता है, देखो देखो, क्लास एम्फीबिया को ना, क्लास एम्फीबिया को ना 3 सब क्लासेस में बांटते हैं, हालांकि सब क्लास का नाम नहीं आएगा तुमको, पर तुम्हें लर्न करने में आसान हो जाएंगे एग्जाम्पल्स, एपोडा सब क्लासेस नहीं, आई एम सॉरी, ऑर्डर में, ऑर्डर में बांटते हैं, क्लास के नीचे ऑर्डर आता है ना, कैसे याद करते हैं, कॉफ से याद करते हैं अपा, अरे 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 कैसे याद करते हैं, किंगडम फाइलम है ना, सबसे ऊपर किंगडम आती है, फिर फाइलम आती है, फिर कॉफ आता है, क्लास ऑर्डर फैमिली, फिर जीनस स्पीशीज आता है, तो सी के बाद ओ, क्लास के बाद ऑर्डर ही आना चाहिए, ऑर्डर ए पोडा, ऑर्डर यूरोडेला और ऑर्डर एन्यूरा, ये नाम नहीं याद करने, अगर तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें नाम याद कराने वाली हूँ तो तुम्हारी गलत फहमी है, ये नहीं तुम्हें चाहिए, इनका मीनिंग क्या है मैं ये समझाना चाहती हूँ, सुनो, ए पोडा विदाउट लेग्स, पोडा मतलब लेग के लिए पोडा यूज करते हैं, सो ऐसे एम्फीबियंस जो कि अपने हाथ पैर खो बैठे हैं, दे डू नॉट हैव एनी आर्म्स, उनके पास लेग और आर्म्स नहीं होती हैं, तो उनको हम एपोडा में डाल देते हैं, ऐसे एम्फीबियंस क्यों बने, ये एम्फीबियंस केव्स में रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, ठीक है, अंधेरों में, तो उनको वहाँ पे हाथ पैर की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो क्रॉल करते हैं, स्नेक की तरह क्रॉलिंग मोड से मूव करते हैं, तो धीरे धीरे एवोल्यूशन से तुम्हें पता है ये कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी तो वेस्टिजियल बन जाएंगी, वेस्टिजियल से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो इनके हाथ पैर खत्म हो गए, नाउ दे आर स्नेक लाइक, उसकी मैं फोटो भी तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है, देन अब वो अंधेरी गुफाओं में रहते हैं तो क्या वो कुछ देख सकते हैं वहाँ पर, नहीं देखते, तो उनके पास आंखें भी नहीं होती हैं, उनकी आंखें होती हैं बट दे आर क्लोज लाइक दिस, उनकी आंखें बंद होती हैं लाइक दिस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड वॉर्म्स, ठीक है, इस ग्रुप को कैसिलियंस भी कहते हैं, इसके मेंबर्स को कैसिलियंस भी कहते हैं, ब्लाइंड वॉर्म्स भी कहते हैं इसके मेंबर्स को, लिम्बलेस एम्फीबियन भी कहते हैं, एग्जाम्पल एक ही लर्न करना है, एग्जाम्पल एक ही लर्न करना है, एक थायोफिस, कैसे लर्न करना है, इक्थायो, इक्थायो होती है मछली, इक्थायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश, ओके, सो जैसे मछली के हाथ पैर नहीं होते वैसे इसके भी हाथ पैर नहीं होते, सो इट्स अ फिश लाइक एम्फीबियन, इक्थायोफिस, आई शो यू, आई हैव अ फोटोग्राफ, नॉट दिस वन, दिस वन, ओके, सो
दिस इज अ इक्थायोफिस, इट लुक्स वेरी वेरी अगली, आई नो दैट, एंड सी इट हैज़ नो आईज, इसकी आईज यहाँ पे बंद है, दे आर क्लोज्ड, आईज इसकी है नहीं, सो दिस इज इक्थायोफिस. ओके, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ओके ओके, वेयर इज इट? ओके नाउ, सो ए पोडा के अंदर तुमने एक ही चीज पढ़नी है, इक्थायोफिस लर्न हो जाएगा अभी. लिम्बलेस एम्फीबियन, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में. अब आ जाओ यूरोडेला. यूरो का मतलब क्या होता है? टेल, याद करो अपन ने वो पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, टेल वर्टिब्रेट जिनकी नोटोकोड टेल में होती है, तो यूरो का मतलब टेल होता है. टेल, यूरोडेला में टेल्ड एम्फीबियंस आते हैं, जिसका सिर्फ एक एग्जाम्पल तुमको पढ़ना है, सेलमेंडर. देखो सेलमेंडर बहुत बड़ा ग्रुप है, सिर्फ पूरे पूरे पानी में रहने वाले सेलमेंडर्स भी होते हैं जो पानी से बाहर नहीं निकलते, कंप्लीटली एक्वाटिक होते हैं. देन ऐसे सेलमेंडर्स भी होते हैं जो धरती पे घूमते हुए नजर आते हैं. अब वो तुम्हें छिपकली जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका फोटो, तो तुम्हें फोटो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि ये इसका कुछ फीचर बता दो. तो ऐसी फोटो दी हुई है एनसीईआरटी में, प्लीज़ इसको देख लो. तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, देखो ध्यान से लिजर्ड और इसमें क्या फर्क है, सी केयरफुली. ये डायग्राम याद रख लो, ये एम्फीबियंस का डायग्राम है और एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिखता है. कैन यू सी, ये चिकनी चिकनी स्किन है इसकी. लिजर्ड की स्किन ना ड्राई होती है, क्योंकि लिजर्ड एम्फीबियन नहीं है, रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है, सूखी कॉर्निफाइड स्किन होती है. ये एम्फीबियन है तो ऑब्वियसली मॉइस्ट स्किन होगी. सी हाउ मॉइस्ट इट्स स्किन इज. ओके, सो दिस इज सेलमेंडर. देन लास्ट बात जो हमें पढ़ानी है वो है एन्यूरा. ए मतलब विदाउट, विदाउट, यूरा मतलब टेल, बिना टेल के एम्फीबियंस. इसमें तीन पढ़ेंगे अपा, राणा बूफो हाइला, राणा बूफो हाइला. इसको याद करना बहुत ही आसान है, इसको इन तीनों को याद करना बहुत ही आसान है. राणा तो हमारा कॉमन फ्रॉग है, ठीक है, जो अपा अभी अपा ने देखा है, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में फोटो बनी हुई है, अभी दिखा दूंगी, ठीक है. बूफो टोड को बोलते हैं, टोड. अब बूफो तुम्हें कैसे बना के बताऊं मैं? देखो देखो ये राणा है. राणा कैसे पता चलेगा? एक तो इसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है और इसकी लेग्स बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी लेग्स होती हैं, तो ये जब जंप मारता है ना, जो मेंढक जिसको हम बोलते हैं, मेंढक जो उछलता उछलता जाता है, वो राना है. बूफो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, मुझे जगह ही नहीं मिल रही, क्या बोलते हैं, टोड, टोड, टोड तो बोलते हैं लेकिन मुझे हिंदी में नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको. तो वो होता है ऐसे मोटा सा, गंदा सा, बड़ा बदसूरत टाइप्स होता है यार वो टोड, ऐसा होता है कुछ, ऐसे उदास सा. ये तो बहुत ही हंसता हुआ बन गया, बट बहुत ही उदास सा होता है, ऐसे अजीब सा, ऐसे पता नहीं क्या ही बन गया, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस. एंड इसकी ना लेग्स बहुत छोटी होती हैं, तो ये बस वहीं पे कूदता है, वहीं पे ऐसे छोटा 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 कूदता हुआ भागता जाता है, और इसकी स्किन बड़ी रफ सी होती है. सो ये है बूफो, तो मोटा सा गंदा सा बूफो, कैसे भी याद कर लो इसको, बूफो. राणा तो सुंदर नाम है ना, बूफो गंदा नाम है. राणा फ्रॉग, बूफो टोड. हाइला बहुत इजी है, हाइला है ट्री फ्रॉग. तो यू हैव टू इमेजिन अ ट्री, यू हैव टू इमेजिन अ ट्री एंड यू हैव टू इमेजिन अ फ्रॉग एंड यू हैव टू इमेजिन अ फ्रॉग हु इज यू नो हैंगिंग फ्रॉम द ट्री एंड यू नो सिंगिंग सॉन्ग्स. एंड ये कौन सा गा रहा है, गाना गा रहा है पेड़ से लटका हुआ, हैला हैला हुआ हुआ, हैला हैला तूने छुआ. अब तुम फ्रॉग की आवाज में इमेजिन कर लो इसको. सो हैला इज ट्री फ्रॉग, याद हो जाएगा, एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे. एम्फीबिया पे चलूं, बोलो बहुत सारे फ्रॉग्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, जो अपने कंट्री में नहीं मिलते हैं, मोस्टली वो अमेजोन के फॉरेस्ट्स में मिलते हैं, उनको डार्ट फ्रॉग्स बोलते हैं, और वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं.
रेड कलर्ड, ब्राइट ग्रीन कलर्ड, ब्लू कलर्ड, ऐसे फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट कलर्स होते हैं उनके, एंड दे आर पॉइजनस। ओके हाँ, बायो मॉलिक्यूल्स। अरे रे, मैं तो सोच रही थी कि प्लांट फिजियोलॉजी शुरू करूंगी। प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कर लेते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कुछ और, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी यार बड़े दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चे, है ना। चलो एम्फीबियन खत्म कर दें, कल तुम्हारा एनिमल किंगडम खत्म कर दूंगी, उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट ले लेंगे एनिमल किंगडम का, देखती हूँ तुमने कितना मेरा नाम रोशन किया और कितनी मेरे नाक कटाई है, और फिर चलेंगे आगे। देखो रेप्टाइल पूरा पढ़ने के लिए एक डायग्राम बनाएंगे अपा, सिर्फ एक डायग्राम, उसमें अपा पूरा रेप्टाइल कवर कर देंगे। चलो कौन सा रेप्टाइल तुम्हें सुंदर लगता है बताओ, क्या ड्रॉ करूँ? ओके सो दिस इज अ रेप्टाइल, ओके आई विल ट्राई टू मेक अ मगरमच्छ, मोटा वाला मगरमच्छ। लोगों की रूह कांप उठे जिसे देख के। बहुत ही बदसूरत वाला मगरमच्छ, ठीक है। देखो रेप्टाइल्स, ये डरावना लग नहीं रहा, क्या करें इसको, थोड़ा डरावना बना लेते हैं। ये पता कैसा लग रहा है, जो बच्चों को डराने के लिए प्लास्टिक वाले नहीं होते छोटे छोटे, इतने इतने क्रोकोडाइल होते हैं, वैसा लग रहा है। इट इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ रियल क्रोकोडाइल। आई हैव फेल्ड मिजरेबली, है ना, टू मेक अ टेरिफाइंग क्रिएचर, बट इट्स ओके, इट्स ओके, वी विल जस्ट स्टडी। देखो रेप्टाइल्स ने एम्फीबियंस के ऊपर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी की, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने हैं। क्या हुआ कि तुम लोग को याद है एवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कार्बोनीफेरस पीरियड, एक टाइम था जब एम्फीबियंस डोमिनेट करते थे इस दुनिया को, बहुत जॉइंट बड़े बड़े, इस ऐसे बड़े बड़े कमरे जितने बड़े बड़े एम्फीबियंस घूमते होते थे अर्थ पे, कार्बोनीफेरस पीरियड था उस टाइम का नाम। अब एम्फीबियंस को पानी चाहिए था, पानी उस टाइम पूरी धरती पूरी दलदल से बनी हुई थी, स्वाम्प्स थे, मार्शेस थे, तो बड़े मज़े करते थे एम्फीबियंस वहाँ पे। इट वाज अ लव लैंड फॉर दी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बच्चे पानी में, एम्फीबियंस के लार्वे टैडपोल घूम रहे हैं, सब एम्फीबियन एम्फीबियन, ठीक है। अब हुआ क्या कि धरती का क्लाइमेट चेंज हुआ और वो जो मार्शेस थे ना वो ख़त्म हो गए और जो स्वैम्प्स थे वो ख़त्म हो गए। अब ऐसे नहीं ख़त्म होता, अर्थ ऐसे नहीं होती, अर्थ का मूड ऐसे नहीं होता, आज मन नहीं कर रहा कि स्वैम्प्स हो, सारे स्वैम्प्स हटा दो भैया और एक दिन के अंदर सारे एम्फीबियन मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अर्थ में जब चेंज आते हैं, क्लाइमेट में चेंज आते हैं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू चेंज। सो धीरे धीरे वो मार्शेस ख़त्म होना शुरू हो गए और एम्फीबियंस धीरे 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 उनका डोमिनेंस ख़त्म होना शुरू हो गया। नाउ स्लोली रेप्टाइल्स इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स डेवलप्ड अ पीनस लाइक स्ट्रक्चर। सो रेप्टाइल्स डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते थे स्पर्म को फीमेल की बॉडी में, तो उनको वाटर नहीं चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए, विच यू नो रिड्यूस्ड देयर डिपेंडेंस ऑन वाटर। अब मतलब उनकी सर्वाइवल के लिए पानी जरूरी, ऑफकोर्स पीने के लिए पानी जरूरी था, बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी नहीं था, विच गेव देम अ वेरी बिग एडवांटेज। अब उनको नदियों के ही आसपास नहीं रहना, वो कहीं भी रह सकते हैं। ओके सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आ गई रेप्टाइल्स से। ओके कुछ और भी चेंजेस हैं, आई विल टेल यू, बट लेट्स अब क्योंकि ये पानी में नहीं रह रहे हैं तो इनको रेस्पिरेशन की ज़्यादा दिक्कत नहीं, इनको लंग्स मिल गए तो चल जाएगा, तो इनको स्किन से रेस्पिरेशन नहीं चाहिए। अब इनकी पूरी स्किन पे, इनकी पूरी स्किन पे केराटिन से बने हुए बड़े बड़े पीसीज लगे हुए हैं, ऐसे जैसे स्केल होते हैं ना। अब स्केल तो क्या होते हैं, स्केल तो ओवरलैपिंग होते हैं, तो इनके पास स्केल नहीं होते, स्केल्स भी होते हैं कुछ कुछ के पास स्केल्स होते हैं, जैसे स्नेक की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर्स भी होते हैं ऐसे, जैसे बिना ओवरलैपिंग किए हुए स्ट्रक्चर्स, ऐसे इस तरीके से इनको बोलते हैं स्कूट्स। स्कूट्स स्कूट्स कुछ नहीं है, केराटिन के ही स्ट्रक्चर हैं, साफ दिख रहा है, SCU। अरे कितना गंदा लिखती हूँ मैं, है ना, दोबारा लिखती हूँ, रुको।
स्कूट्स कुछ नहीं है, स्केल्स जैसे ही होते हैं बट दे आर नॉट ओवरलैपिंग. स्नेक वगैरह जैसे रेप्टाइल्स होते हैं उनमें ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं प्रॉपर. स्किन कॉर्निफाइड, ये जो स्केल्स है ये केराटिन का बना हुआ है. सो स्किन ड्राई क्योंकि रेस्पिरेशन तो होनी नहीं, एंड कॉर्निफाइड. कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है? केराटिन से लदी हुई. देखो रेप्टाइल्स जब पानी से बाहर निकले तो उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी कि उनकी ना बॉडी से बहुत सारा पानी लूज हो रहा था, तो उस पानी को लूज होने से बचाने के लिए उनको अपनी स्किन टफ करनी थी, तो उन्होंने केराटिन डालना शुरू कर दिया अपनी स्किन में. ओके नाउ और देखो क्या चेंजेस आए. लिम्ब्स, दो पेयर लिम्ब्स है, फोर लिम्ब और बैक लिम्ब है इसके पास. अब देखो इसके पास 1 2 3 4 5 फाइव फिंगर्स हैं, तो इसको बोलते हैं पेंटा डेक्टाइल लिम्ब. पेंटा डेक्टाइल लिम्ब. अब जैसे स्नेक वगैरह है उनके एंसेस्टर के पास था पेंटा डेक्टाइल लिम्ब, और फिर जैसे मतलब स्नेक्स इवॉल्व हुए तो वो पेंटा डेक्टाइल लिम्ब खत्म हो गया. पर इसका मतलब ये नहीं कि स्नेक रेप्टाइल का पार्ट नहीं है, ठीक है? मतलब उनके पास थे उनके एंसेस्टर के पास, बट धीरे धीरे एवोल्यूशन से वो चीज खत्म हो गई. देन पेंटा डेक्टाइल लिम्ब्स के पास जनरली नाखून होते हैं, क्लॉज होते हैं इस तरीके से. पेंटा डेक्टाइल लिम्ब्स विद क्लॉज, ठीक है? अब इसको थोड़ा थोड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इस डायग्राम में आगे आगे चेंजेस करते रहेंगे. आओ द क्लास रेफर्स टू देयर, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन. ये जब चलते हैं तो इनका पेट ना जमीन से घिसड़ता हुआ जाता है, इसको बोलते हैं क्रीपिंग या क्रॉलिंग. तो इनका क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ वॉक रिप्रोडक्शन, आई एम सॉरी, मूवमेंट होता है, ठीक है? तो रेप्टम, रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग और क्रॉलिंग, तो वहीं से रेप्टीलिया आया है, ठीक है? देखो हमारे गांव में एक कहावत है कि कुछ भी बन जाओ, जैसे बोलते हैं ना गांव में लोग कि अलग अलग जन्म में पैदा होते हैं, अलग अलग जूनियाँ मिलती हैं, कभी हम कुत्ता बनते हैं, कभी हम बिल्ली बनते हैं. तो सब कहते हैं कि कुछ भी बन जाओ सांप मत बनना, क्योंकि उसको पेट के बल रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है. तो लोगों को लगता है कि ये कोई पनिशमेंट मिली हुई है उसे कि आपको अपना पेट रगड़ रगड़ के पूरी धरती पे चलना पड़ रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू और नॉट, बट क्योंकि वो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ जो मूवमेंट है उससे वो रेफर करते हैं, बात करते हैं. दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बाहर रहते हैं, ठीक है? एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये हमने बात किया है अभी. एपिडर्मल स्केल्स और स्कूट्स, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तुम्हें पता है हमारी स्किन के दो लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस. ये स्केल्स एपिडर्मिस से बने हुए हैं, ऊपर वाली लेयर से बने हुए हैं. जो फिश के स्केल्स होते हैं वो डर्मिस से बने होते हैं, अंदर वाली लेयर से बने होते हैं. इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, फिश के ऊपर स्केल्स ज़्यादा जचते हैं, फिश ही स्केल्स की जन्मदाता है, उसी ने स्केल्स का रिवाज शुरू किया था, तो उसकी स्किन में गहरे तक समाए हुए हैं स्केल्स, तो उसके डर्मल हैं. ये ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं स्केल्स का, इनके ऊपर स्केल्स के ऊपर इनका कोई हक नहीं है, बट ठीक है इनको दे दिए, तो ये ऊपर वाली लेयर से बने हुए हैं, इनको ज़्यादा डीपली एम्बेडेड नहीं है. एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है, ठीक है? डर्मिस की नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, टिम्पैनम रेप्रेजेंट्स ईयर. अब देखो कितना अजीब लगेगा अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ और कहूँ ये देखो बच्चों दिस इज़ अ क्रोकोडाइलस, यू वुड नॉट बिलीव इट, यू वुड से मैम इट्स अ कोई ये फनी कैरेक्टर है ना, बिकॉज एक्सटर्नल ईयर यू डोंट फाइंड, राइट? सो वट यू डू फाइंड इज एक यहाँ पे ओपनिंग होती है, ओपनिंग भी नहीं होती, मतलब एक पर्दा होता है, ठीक है? कान का पर्दा जिसको बोलते हैं टिम्पैनम बोलते हैं. सो यहाँ पे टिम्पैनम तुम्हें देखने के लिए मिलेगा. ठीक है बच्चों, आओ देखो. लिम्ब्स वेन प्रेजेंट आर टू पेयर, दो पेयर लिम्ब है, एक आगे एक पीछे पेयर. हार्ट इज यूजली थ्री चेम्बर्ड. अच्छा ये क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन हैज कम इन नीट सो मेनी टाइम्स एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट. रेप्टाइल्स आर थ्री चेम्बर्ड, आई मीन रेप्टिलियन हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे एम्फीबियन का होता है वैसे ही दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है इनके पास. बट कुछ रेप्टाइल्स बहुत एडवांस्ड हैं, ठीक है? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये सभी के पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है. प्लीज इसे याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है?
देन रेप्टाइल्स की जो डेंटिशन होती है इट इज़ नॉट थीकोडोंट डेंटिशन, इट इज़ मोस्टली एक्रोडोंट डेंटिशन। मतलब कि थीकोडोंट में तुम्हें ह्यूमन वाले में बता चुके ना, जॉज के अंदर जैसे ये जॉ है ऐसे गड्ढा और फिर उसके अंदर टीथ घुसना ऐसे जॉ के अंदर, इसको बोलते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। तो थीकोडोंट डेंटिशन रेप्टाइल्स में नहीं आती भाई, वो बहुत एडवांस डेंटिशन है, मैमल्स में आती है। बट क्रोकोडाइल इज़ अ वेरी एडवांस्ड रेप्टाइल, सो उसके पास दो चीज़ें मैमल्स की उसने चुराई हैं, इट हैज़ अ फोर चेम्बर्ड हार्ट एंड इट हैज़ थीकोडोंट डेंटिशन। रिमेंबर इट, इट कैन कम इन नीट बिकॉज इट हैज़ कम इन नीट। ओके नाउ, बट इट हैज़, इट यूजली हैज़ थ्री चेम्बर्ड हार्ट बट फोर चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। प्लीज रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। फाइन, रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथम्स, ये आप पढ़ चुके हैं। फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथम्स, बर्ड्स मैमल्स वार्म ब्लडेड, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। इसका मीनिंग क्या है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो देखो, तुम्हें पता है कि रेप्टाइल की बॉडी के ऊपर एक डेड एग्जोस्केलेटन है। अगर केराटिन का एग्जोस्केलेटन आपके बाहर है तो डेड एग्जोस्केलेटन है आपके पास, है ना। तो अब एक छोटा सा बेबी स्नेक है, मान लो दिस इज अ बेबी स्नेक, ये एक बेबी छोटू प्यारू बेबी स्नेक है ना। अब ये स्नेक थोड़ा बड़ा होना चाहता है, ये मान लो इसका साइज इतना बड़ा होना चाहता है अभी। अब दिक्कत क्या है, यहाँ से यहाँ बड़ा होने के लिए इसको अपना साइज बड़ा करना है तो इसको अपने यहाँ पे स्केल्स का साइज भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। अब स्केल्स तो डेड है, स्केल्स बड़े नहीं होते, स्केल्स केराटिन के बने हुए हैं तो वो डेड स्केल्स हैं। तो इट इज़ लाइक कि आप एक स्टील के कंटेनर में बंद हो तो आप बड़े कैसे हो गए। तो ये जो अपना बाहर वाला कंटेनर है ना, ये जो स्केल वाला कंटेनर है, केराटिन का बना हुआ कंटेनर है, उसको निकाल देते हैं और हर बार एक नया स्किन डेवलप करते हैं जब इनको साइज अपना इंक्रीज करना होता है। तो ये क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे नीचे नई स्किन डेवलप कर लेते हैं, फिर पुरानी स्किन से ऐसे ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। और वो पुरानी स्किन बिल्कुल स्नेक के शेप की पूरी तुम इमेजिन नहीं करोगे, मैं तुम्हारे लिए लाना भूल गई, इसको बोलते हैं सांप की केचुली, ठीक है। तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा जी मुझे घुमाने लेके जाते थे जंगलों में, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं नेचर के बारे में सीखूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। सो हम लोग जंगलों में जाते थे और हमारे हमारे को केचुली मिलती होती थी, ऐसे पैरों में रख पैर दूसरे में डर जाती थी कि सांप है। फिर डैडी कहते थे कि ये सांप नहीं है, ये सांप ने अपनी स्किन निकाली हुई है, उसी को स्किन कास्ट का कहा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इतना बड़ा होने के लिए ये अपना ना कवर सा रिलीज करेगा ऐसे, यहाँ पे एक अपना बेबी, ये जो इसका छोटा बेबी कवर है ना बॉडी का, ऐसे ये ऐसे एग्जैक्टली ऐसा स्नेक जैसा ही कवर होगा, वो ऐसे कवर निकाल देगा और फिर ये ग्रो करेगा, फिर नया कवर अपने ऊपर बनाएगा। दिस इज कॉल्ड, ये जो कवर है ना, ये जो कवर निकाला है ना, इसको बोलते हैं केंचुली हिंदी में और स्किन कास्ट इंग्लिश में। ऐसा स्नेक्स और लिजर्ड्स निकालते हैं। तो बाकी रेप्टाइल क्या करते हैं, बाकी रेप्टाइल्स के पास भी तो है, देखो बाकी रेप्टाइल निकालते हैं लेकिन वो पीसेज में निकालते हैं, कभी थोड़ा सा यहाँ से शेड कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से शेड कर दिया। स्नेक पूरी बॉडी का एक साथ निकालता है तो उसको स्किन कास्ट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो आगे बात करने लगे हैं तो रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो इनके पास पीनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ये डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो मान लो ये स्नेक है, दिस इज वन स्नेक, ओके दिस इज अ फीमेल स्नेक एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, इट इज़ हर ब्रीडिंग सीजन नाउ, एंड सो द मेल स्नेक विल कम एंड मेट विद हर, दिस इज द मेल स्नेक एंड दे आर मेटिंग, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी, ओके। द मेल स्नेक विल इंजेक्ट स्पर्म्स इन द फीमेल्स बॉडी, नाउ फीमेल फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप बताओ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए क्या, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, तुम बताओ मुझे, जवाब दो, जनता जवाब चाहती है, बताओ कैसी हो लवली। अरे ऐसा है आनंद कुमार, मेरी क्लास में आके लवली से नहीं पूछना है कैसी हो, क्वेश्चन पूछने हैं,
जयराम खेडेकर, मुझे भी नहीं कहना है लव यू रितु। अपनी भावनाओं को अपने पास रखो बच्चों, पढ़ाई करनी है अपने। चलो कोई डाउट नहीं है, चलो मेरी बात सुनो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गई, अब थोड़े दिन बाद ये जो फीमेल स्नेक है ये एग्स ले करेगी, एग्स ऐसे। तो अब एक्सटर्नल डेवलपमेंट, यहाँ पे छोटे छोटे बेबी स्नेक्स इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं एग के अंदर, और ये रेत में रखेगी अपने एग्स, रेत के अंदर छुपा के रखेगी, अपना घोंसला बनाएगी रेत के अंदर, वहां पे अपने एग्स रखेगी। तो पानी नहीं चाहिए इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, पानी से छुटकारा है ना। एंड देन यहाँ पे छोटे छोटे बेबी स्नेक्स निकलेंगे, कोई लार्वल स्टेज नहीं, सीधा स्नेक्स निकलेंगे, छोटे छोटे स्नेक्स निकलेंगे, छोटू छोटू है ना। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट, समझ में आ गया। बस अपने को एग्जाम्पल लर्न करने, जल्दी जल्दी करो बेटा, 1 घंटा हो गया, मैं सोची थी 1 घंटा नहीं होगा। चलो ओके, स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट हो गया, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस, एग्स ले करते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब इसको लर्न करना है, चीलोन, टेस्ट्यूडो, कैमिलियन, कैलोट्स, क्रोकोडाइलस, ये सब लर्न करने हैं। देखो लर्न करने के मैं तुम्हें कुछ तरीके बता देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास होनी है ख़त्म। अब चीलॉन का तरीका बताती हूँ तुम्हें, देखो ये है टर्टल। टर्टल और टॉर्टोइस में फर्क होता है, टर्टल पानी में रहता है, तो टर्टल के पास ना बाजू नहीं होती, ऐसे बड़े बड़े फ्लिपर्स होते हैं ऐसे ऐसे तैरने के लिए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ना ऐसे फ्लिपर्स टाइप होते हैं ऐसे, इट इज समथिंग लाइक दिस। टॉर्टोइस कुछ ऐसा होता है, टॉर्टोइस की प्रॉपर लेग्स होती हैं, ये टॉर्टोइस है, वेरी हैप्पी। क्यों? ये 300 300 साल तक जिंदा रहता है टॉर्टोइस जो होता है, तभी इतना खुश है टॉर्टोइस। टर्टल देखो, टर्टल तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा जैसे चिल मार रहा है अपनी जिंदगी में, ऐसे कर रहा है ये हो, ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ नहीं नजर आ रहा तुम्हें। सो ये चिल मारता है तो इसको कहते हैं चीलोन, ठीक है। अब टॉर्टोइस को मैं बहुत अजीब तरीके से लर्न करती हूँ, तुम अपनी मर्जी से लर्न कर सकते हो। देखो टॉर्टोइस 300 300 साल तक जिंदा रहता है, 150 ईयर्स तो इसकी नॉर्मल एज है। तो ये है जेंटलमैन, बूढ़े लोग जेंटलमैन हो जाते हैं ना, तो ये हमेशा टाई कोट पैंट लगा के रखता है, ठीक है, कोट पैंट पहन के आराम से, टक्सीडो पहन के रखता है। टक्सीडो बोलते हैं ना, टक्सीडो क्या होता है, प्रॉपर कोट पैंट पहनना, टक्सीडो बोलते हैं, टक्सीडो पहन लिया। सो इसका नाम है टेस्ट्यूडो, विच इज़ वियर्ड आई नो, बट यू हैव टू लर्न इट, टेस्ट्यूडो। चीलोन एंड टेस्ट्यूडो लर्न हो गया, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। देखो चीलोन हो गया, टेस्ट्यूड हो गया, कैमिलियन इजी है, ट्री लिजर्ड हो जाएगा, कैलॉट्स याद रखोगे तुम, देखो गार्डन लिजर्ड है कैलॉट्स। तुम गार्डन में जाके क्या करते हो, तुम भी तो लौटते ही हो ना, क्या करते हो? जब मैं छोटी थी मैं तो ग्राउंड घास में लेट के ऐसे लौटने लग जाती थी ग्राउंड में, ठीक है, लौटना, लौटने से याद रखोगे कैलॉट्स ग्राउंड में, ठीक है, गार्डन लिजर्ड, गार्डन में लौटने वाली लिजर्ड है ये कैलॉट्स। क्रोकोडाइलस याद हो जाएगा, एलिगेटर याद हो जाएगा तुम लोगों को, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, देखो इसको याद करना बहुत आसान है, वॉल के ऊपर लिजर्ड चढ़ जाती है। तो मैं इसको ऐसे इमेजिन करती हूँ, हेमी मतलब आधा, डेक्टाइलस मतलब डेक्टाइल होते हैं ये डिजिट्स, हेमी मतलब आधे, तो मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ बेचारी आधे डिजिट्स के साथ, उसके पास तो 5 भी नहीं होंगे पूरे, क्या पता सिर्फ 3 ही होते हैं, तो 5 ही, पर मैं तुम्हें लर्न कराने की कोशिश कर रही हूँ कि हेमी डेक्टाइलस होने के बाद भी कहाँ कहाँ चढ़ जाती है, आधे डिजिट्स होते हैं फिर भी शी क्लाइम्स एवरीवेयर, दिस इज हाउ आई लर्न, यू कैन लर्न इन योर वे। ये याद करने हैं बेटा तीनों स्नेक्स, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि इसमें से बताओ कौन सा पॉइजनस नहीं है। तो पॉइजनस स्नेक के 3 एग्जाम्पल है, नाजा, बैंगारस जो कि क्रेट है, एंड वाइपेरा, वाइपर। नाजा याद करा सकती हूँ मैं तुमको, कोबरा जब तुम्हें देखता है तो तुम्हें कौन सा देख के तुम्हें कौन सा गाना गाता है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने वो पंजाबी गाना सुना है, नाजा 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 मित्र तो को कुछ कुछ समथिंग ऐसे गाना है।
सो मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ कि जो कोबरा है वो तुम ऐसे कर रहा है ना, जना जना जा, मतलब ही इज आस्किंग यू, आ जाओ बेटा मेरे पास, आओ कभी हवेली पे, ठीक है? ओके 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 नहीं, ये पानी में फर्टिलाइजेशन मन करे तो कर सकते हैं आनंद कुमार, लेकिन ज़रूरी नहीं है पानी में फर्टिलाइजेशन करना, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ओके सो आई एम डन विद दिस, ओ नाइस, ओके फाइन, मेरा ये रिमूव हो गया था। ओके ओके सो आई एम गोइंग टू गो नाउ, आई होप ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं तुम लोगों को, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, और अगर तुम लोगों को क्लास अच्छी लगी ना तो ज़रा बता दिया करो क्लास के नीचे कमेंट करके, ज़्यादा सेल्फिश मत बना करो, हम तो क्लास भी लगाएंगे मज़े भी लेंगे और कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करना तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो अच्छी थी, चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ़ायदे के लिए ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन आती रहे, तुम्हें पता चलता रहे मेरी क्लास कभी कभी है, और अगर तुम क्रैश कोर्स लगाना चाहते हो, और कौन बच्चा है जो इस वक्त क्रैश कोर्स नहीं लगाना चाहता होगा जब तीन चार चार पाँच महीने अपने पास बचे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है और आपको मेरे पास मेरे साथ रिवाइज करने का मौका मिला हुआ है। सो क्रैश कोर्स आज से शुरू हो चुका है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आज ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और प्लस का सब्सक्रिप्शन ये कोड ज़रूर डाल लीजिएगा, इससे आपका भला हो जाएगा, आपको जैसे पेमेंट करने जाओगे तो ऊपर की जगह ये कोड के लिए जगह होगी, ये कोड डाल के अप्लाई बटन हिट कर देना ताकि तुमको 10% ऑफ मिले, तो नहीं तो पूरे 24,000 रुपये दोगे, ये कोड डाल के सिर्फ 21,000 रुपये 600 में तुम्हारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, प्लस यहाँ से तुम्हें मेरे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे से तुम्हें मेरे क्रैश कोर्स में आने की सीट मिल जाएगी। ओके सो आई विल सी यू एट 6 PM, अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है तो तुम मेरा ये सेशन लगा सकते हो 6 PM वाला, इसमें टॉप 15 क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे और मतलब अच्छे क्वेश्चंस होंगे बायोटेक्नोलॉजी के, जो मुझे लगता है कि नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो तुम इट विल बी अ क्विज टाइप सेशन, मैं क्विज लूँगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि इसका आंसर ये क्यों है, आप लगा सकते हैं और आप अपना स्कोर जज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।